हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्वीटी सनी ब्लॉग। तो आज हमारा भाईजैक में सेकेंड डे है और हम लोगों ने एक 7 सीटर कार बुक की है जिसके प्राइस पड़ा है 3000 रुपीज़। तो हमारे प्लान के मुताबिक पहले हम जाने वाले हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम, देन सबमरीन म्यूजियम एंड देन रामानायडू फिल्म सिटी एंड देन यहाँ के फेमस बीच जो है ऋषिकोंडा बीच, अगर हो सके तो आर के बीच भी जाएं। तो फ्रेंड्स, ये है एयरक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर भाईजैक में। ये देखिए, बड़ा सा एक विमान खड़ा है अंदर का। तो लोकेशन आप लोग को दिखाया। चलिए अंदर दिखाते हैं आप लोग को। इसे गार्डन भी किया हुआ है, बहुत खूबसूरत सा। ये आप लोग आ गए हैं भाईजैक। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, छोटा सा मैप बहुत खूबसूरत से बना हुआ है। ये देखिए, बुढ़ा के सिमाचलम, तुतलाकोंडा, भाईजैक स्टील, अराकू वैली, कैलाशगिरी, लाइट हाउस। ये वार जोन है यहाँ पे म्यूजियम में। नौसेना मेडल, नौसेना मेडल। हाँ, दाड़ी तो चलिए चलते हैं अंदर में। ये ओरिजिनल है एक्चुअली, इसलिए आपको अंदर का पूरा ओरिजिनल भी दिखाई देगा। क्या आई माऊ, मैंने नाम तो सुने थे, दो तो वुमेन थी लो, देखो तो। 29 ईयर से यूज हुआ है इंडिया में, कारगिल वार में भी यह यूज हुआ है। अभी म्यूजियम में भेज दिया गया है, कारसूरा सबमरीन म्यूजियम भोटा। एकदम पूरा सी का ऊपर है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू। हम लोग जा रहे हैं सबमरीन के अंदर। फोटो कॉन्सेप्ट तुम्हारा सामने तक के जिनिस पीछे थाके। वाओ, पूरा म्यूजियम के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, INS कारसूरा S20 जो सबमरीन है, ये सबमरीन करीब 31 ईयर्स जो इंडियन नेवी को सर्विस दिया है। ये सबमरीन एशिया का फर्स्ट सबमरीन है जिसको एक्सपायर होने के बाद म्यूजियम में भेजा गया है। ये सबमरीन आपका भाईजैक में आरके बीच का ऊपर है। इसका एंट्री फी ओनली 70 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, इस सबमरीन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में जानने के लिए नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें पूरा वीडियो दिया गया है ओनली सबमरीन का ऊपर, जहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो सबमरीन के अंदर जो गाइड है उन्होंने एक्सप्लेन किया है अबाउट द सबमरीन। यहाँ पे एक चीज़ में देख रहा हूँ कि जितना भी वाल बना हुआ है, ये पहाड़ से उतरने के बाद पर रोड साइड जो वाल है, एकदम बहुत खूबसूरत सा आर्ट बना हुआ है। सामने कैलाशगिरी पर्वत और पास में आपका ये समंदर। हम लोग जा रहे हैं जूलॉजिकल पार्क, फिर वहाँ से जाएंगे ऋषिकोंडा बीच। हेलो, वी आर इन भाईजैक जूलॉजी पार्क।
तो फ्रेंड्स भाईजग जू बहुत बड़ा है, तो इसमें पैदल जाना थोड़ा टफ है। तो जो सामने आपको गाड़ी दिखाई दे रहा है, एक गाड़ी आप बुक कर सकते हैं, 700 रुपीज़ है इसका रेंट। अप्रोक्स 10 आदमी यहाँ इसमें जा सकते हैं। अगर आप कार लेके घुसते हैं अपना गाड़ी लेके, तो उसके लिए भी आपको 700 पे करना पड़ेगा। और अलग से भाईजग जू में एंट्री करने के लिए पर हेड 70 रुपीज़ चार्ज है। तो इस गाड़ी का फ्रेंड्स, ये जो हम लोग गाड़ी लिए, इसमें एक फ़ायदा है कि हर तरफ खुला हुआ है और बहुत धीरे से आराम से जा रहा है। जहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है कोई भी वाइल्ड एनिमल, तो वहाँ पे रुक के हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए सामने आपको घुसने के बाद ही हम लोग को वाइट टाइगर दिखाई दे रहा है, एकदम ओपन है। एक अच्छी बात है कि पूरा ओपन और हर वाइल्ड मतलब एनिमल को अलग से बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया है। चले जाओ हाथी राजा है जो मेरा भैया कार्टून में देखता है। हाथी राजा क्या पगले पगले गधे है, और हाथी को देखो कैसे छूट दे के हम लोग को पानी दे रहा है। चलो लायन और को थोड़ा लायन और टाइगर देखने जाएंगे। चलो लायन और टाइगर देखने जाएंगे। चलो कैसे तोड़ रहा है, और स्नेक्स भी रखेंगे। चलो चले आप स्नेक्स भी आएगा। ब्लैक डियर और नॉर्मल डियर। अरे बड़का से बड़ा घूमिया दो उठे नहीं हो जा रिया जाओ चलो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गर्मी ज्यादा है? ज्यादा गर्मी नहीं है। चलो जी चलो ये हम लोग आ गया है मनाडू फिल्म सिटी में भाईजग में। पीछे एकदम पहाड़ का ऊपर है, पहाड़ से नीचे आपको सिटी और समंदर दोनों दिखाई देगा।
बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से जितना यहाँ पे शूटिंग हुआ है, हर कोई हीरो या डायरेक्टर हीरोइन का सबका फोटो एग्जीबिशन किया हुआ है। ऊपर चलते हैं, बैठने यहाँ पे जगह है, अलग अलग शूटिंग स्पॉट है। I'm gonna head to Flip City. दोस्तों हम लोग यार ऋषिकोंडा बीच में, देख लीजिए अपना बंगाल का जीगा है, मोस्ट क्राउडेड बीच यहाँ पे, आप लोग नहा सकते हैं और बहुत सारा राइड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भीड़ है। आरके बीच में एक्चुअली क्या है, आरके बीच में या दूसरा कोई बीच में भाईजग में नहाने का परमिशन है नहीं, यहाँ पे फुल्ली परमिशन है, तो इसलिए यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको देखिए बैनर राइड, स्पीड बाइक, बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज है, इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमें भाईजग का ऋषिकोंडा बीच में, क्योंकि इसी बीच में नहाना अलाव है, तो पूरा जितना गेस्ट आया था भाईजग का सब यहीं पे नहाने आ रहा है। बहुत बढ़िया बीच है, पहाड़ और समंदर का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन। ये देखिए बेटा। फ्रेंड्स ये रहा भाईजग का नाइट व्यू आरके बीच में, यहाँ बैठने का जगह, ये देखिए पूरा बीच का ऊपर। फाइव बनने तो कबाब खा लिया हम लोग, बहुत टेस्टी है ये शॉप आरके बीच के ऊपर।